जनपद मैनपुरी तहसील सियारी। मैनपुरी तहसील के भोगाव में आज समाधान दिवस के मौके पर उप जिला अधिकारी अंजलि सिंह, क्षेत्र अधिकारी विजय सिंह की मौजूदगी में कोतवाली भोगाव के तहसील स्तर पर शिकायतें सुनी गई। तहसील के सभी लेखपाल मौजूद रहे। इस मौके पर क्षेत्र की शिकायत का निस्तारण करते हुए उप जिलाधिकारी अंजलि सिंह ने कहा दोषियों के खिलाफ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही कहा भूमाफिया जैसी समस्या का तुरंत नेपाल निरस्त दे। मौके पर कोतवाली परिसर में थाना अध्यक्ष भोलू सिंह भाटी, इंस्पेक्टर अरुण सिंह रहे मौजूद। प्राइम मेगा न्यूज चैनल के लिए गुलजार शकील, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। आज समाधान दिवस के मौके पर आपने उप जिलाधिकारी को अपनी सूचना दी है, क्या आश्वासन मिला आपको? आपको आश्वासन ये मिला था कि हम जो है आपको आश्वासन देंगे कि आपको तबियत दिलाएंगे। क्या समस्या रही थी आपकी? समस्या मेरी ये रही थी सर, हमारी जो आबादी पट्टे पर थी, पट्टे पर जो है विजय सिंह, राकेश, रामवीर आदि ने हाई मकान कब्जा कर लिया था। 26/8/2022 से बराबर यहाँ आप आवेदन करा रहे हैं। हमको यही आश्वासन मिल रहा है कि आपको कार्रवाई हो रही है, आपको मिलेगी। अभी तक जो है 26 तारीख, अब तक 8 तारीख तक 22 तारीख हो गई है, 22 तारीख तक कोई वो आश्वासन क्लियर नहीं मिला कि हाँ जगह मुझे मिल रही है। और विपक्षी ने कृषि भूमि का बैनामा दिखाता है, तो बैनामा वो है 6 बीघा का, तो हमारा जगह 7 बीघे पर लेखपाल महोदय ने बैनामा की है। किस गाँव से हैं? हम वर्तमान में कस्बा भोगाव रह रहे हैं, गाँव मेरा भवानी नगर। क्या नाम आपका? शैलेश कुमार।